आर्यनगर कोका स्थित श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्यापीठ प्रांगण के अधोरेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर समिति द्वारा मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें अभिषेक करने के लिए जल, फल, फूल, बेलपत्र इत्यादि उपलब्ध कराए गए थे, जिससे महादेव के पूजन में किसी प्रकार की कमी भक्तों को महसूस नहीं हुई। भिलाई के आर्यनगर कोका में स्थित है श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ और इसी प्रांगण में अघोरेश्वर महादेव की स्थापना मंदिर समिति द्वारा की गई है। शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर अघोरेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का तांता लगा रहा। एक के बाद एक शिव भक्तों ने अपना श्रद्धानुरूप जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास किया और भगवान भोलेनाथ से अपने मन की मुरादें भी मांगी। मंदिर समिति द्वारा मंदिर पहुंचे शिव भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें शिव भक्तों को किसी भी पूजन सामग्री के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। इन व्यवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता अभिषेक हेतु कराई गई थी। मंदिर पहुंचे शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, बड़े ही प्रेम से और श्रद्धा के साथ बाबा की आरती उतारी। मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा इस विशेष पावन अवसर पर महाभंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मंदिर समिति के सभी सदस्यों ने महती भूमिका निभाई। भंडारे में महाप्रसाद को मंदिर पहुँचने श्रद्धालुगणों के अलावा आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी ग्रहण किया। मंदिर समिति के सदस्यों ने आयोजन की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। बोले आज सबसे पहले तो मैं पूरे मंदिर समिति की ओर से पूरे देशवासियों को, सभी शिव भक्तों को मैं महाशिवरात्रि की पूर्ण पूर्ण बधाई देता हूँ। और आज हमारे इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे हर वर्ष की भांति यहाँ पे बड़ी धूमधाम से माँ शिव जी की आराधना की जाती है और उनका अभिषेक किया जाता है। अभी लगातार प्रोग्राम की अंतर्गत सुबह की 8 बजे की आरती हुई है। अभी भोग भंडारा चालू है, अभी कंटिन्यू ये भोग भंडारा शाम तक के चलते रहेगा। फिर 8 बजे महाअभिषेक है शिव जी का। और ये हमारे माने इस मंदिर समिति के द्वारा हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप अधिक से अधिक संख्या में आइए, कहीं पर भी जाइए, किसी भी जगह पर जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, वो तो शिव जी का जल अभिषेक करिए, दूध से नहलाइए, उनको भभूते नहलाइए। ये सब चीज़ें हमारे युवा पीढ़ी में भी जागृत होनी चाहिए। और मैं सभी मंदिर समिति के सभी शिव भक्तों को मैं की ओर से मैं सब लोगों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। श्री श्री महाकाली दरबार 10 विद्या शक्तिपीठ कोका आर्यनगर, जय जय भोले। आपका नाम बताइए। मेरा नाम माणिक कुमार उजवणे है, मैं यहाँ मंदिर समिति का एक सदस्य, छोटा सा सदस्य। जय भोलेनाथ। आज इस शुभ महाशिवरात्रि के मौके पे हमारे मंदिर 10 महाविद्या शक्तिपीठ में महाशिवरात्रि में भव्य आयोजन किया गया है। भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है प्रसादी की, फल फूल की। यहाँ पे पूरे भक्त इस क्षेत्र के आके ग्रहण कर रहे हैं और हम सब लोगों की समिति के सदस्यों की यही विनती है लोगों से कि यहाँ पे आए, अपना भोग ग्रहण करें। भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे साथ हमारे समिति से समिति के सदस्यों में श्री आदर्श मिश्रा जी, श्री मुकेश अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, चंद्रशेखर देशमुख जी, श्री वेंकटेश्वर जी और कौन, और राधे पासवान जी, माड़ी कुजवाने जी, तीरथ जी, सब सेवा देने के लिए तत्पर यहाँ पे हैं। प्रेम भैया हमारे साथ जी, विशेष भंडारे की व्यवस्था की गई है। भोलेनाथ का प्रसाद सब यहाँ पे है, वितरित हो रहा है, जो कि शाम तक होता रहेगा। मंदिर में निरंतर जल की व्यवस्था, फल फूल की व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए लोगों को दिया जा रहा है, फल दिया जा रहा है। मैया विराजमान है ऊपर भी, प्रसाद वितरित किया जा रहा है मैया के पास। और हम सब समिति के सदस्यों का तो यही मानना है कि आप सब आए, और ये सब संभव हो रहा है सिर्फ हमारे पूजनीय श्री गुरुदेव श्री पवनानंद जी के आशीर्वाद के कारण। उनकी भक्ति की वजह से ही हम सब यहाँ पे ये कार्य को सफल पूर्वक संचालन कर पा रहे हैं। आपका नाम जी? मैं समिति का सदस्य आदित्य कुमार सिंह, श्री श्री 10 महाविद्या महाकाली दरबार।
बहरहाल शिवरात्रि के पावन पर्व पर आर्यनगर कोका स्थित श्री श्री महाकाली दरबार दस महाविद्या शक्तिपीठ प्रांगण भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान होता रहा और भक्तगणों ने भोलेनाथ का अभिषेक कर अपनी मुरादें भी मांगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।